हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरुल अंसारी। तो एक लड़के का कमेंट आया था कि भाई, जो जीपी रेटिंग की पढ़ाई होती है या जो सीसीएमसी की पढ़ाई होती है, यानी जो मर्चेंट नेवी में हम लोग कोर्स करते हैं, एसटीसीडब्ल्यू हुआ, जीपी रेटिंग हुआ और सीसीएमसी हुआ, मैं ये जो रेटिंग बैकग्राउंड के तीन कोर्स है उसके बारे में बता सकता हूँ। जो आगे है उसके बारे में भी बताऊँगा कि उसकी स्टडी हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है या किस किस लैंग्वेज में होती है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूज़न था कि भाई, मेरी इंग्लिश तो बहुत वीक है, तो क्या मैं जीपी रेटिंग कर पाऊँगा कि सीसीएमसी कर पाऊँगा कि एसटीसीडब्ल्यू कर पाऊँगा, मेरे को समझ में आएगा कि नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई ने सही क्वेश्चन पूछा है, उस पर प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो जीपी रेटिंग होता है, ठीक है, जनरल पर्पस रेटिंग हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मैरिटाइम कैंटरिंग हो गया और एसटीसीडब्ल्यू हो गया, तो ये इसका जो सिलेबस होता है, जो इसकी बुक होती है, वो टोटल आपका इंग्लिश में होती है, ठीक है। या जीपी रेटिंग का हुआ, या सीसीएमसी का हुआ, सेलो रेटिंग का या एसटीसीडब्ल्यू का, बुक पूरा इंग्लिश में होती है। तो अब जब आप समझ रहे हैं कि जब बुक इंग्लिश में होगी तो पढ़ाई भी इंग्लिश में ही होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं, नॉर्थ में लिए हैं कि साउथ में लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप नॉर्थ जोन में लेते हैं, जैसे कोलकाता साइड में हुआ, कोलकाता साइड में मैट्री हुआ, सीकम हुआ, ट्राइडेंट हुआ, ये तीन कॉलेज हैं जो जीपी रेटिंग सीसीएमसी कराती हैं। तो वहाँ पर मिक्स होता है, इंग्लिश में लिखवाता है, हिंदी में समझाता है, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप जीपी रेटिंग सीसीएमसी या एसटीसीडब्ल्यू कोर्स आराम से अपना कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरी भी उतनी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। तो जीपी रेटिंग का कोर्स अगर नॉर्थ इंडिया से अगर आप करते हैं कोलकाता साइड में, तो किसी भी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला मिला के पढ़ाता है, पूरा आपको हिंदी में समझाएगा, हिंदी में करेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप साउथ साइड में जाते हैं, जैसे आप टी एस रहमान में चले गए, कमांडर अली में चले गए, या वगैरह कुछ दूसरा इंस्टीट्यूट में चले गए, जैसे उस साइड में, साउथ साइड में अगर चले गए, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर लोगों को हिंदी आती नहीं है टीचरों को, तो वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो प्रॉपर आइडिया हो ही गया होगा कि हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। तो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरा दूसरा चैनल है वो भी अच्छा है, उससे भी जाकर आप, जैसे अंसारी जी एस अकेडमी है, वहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग जी के लिए साइंस का मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और इंडिया नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपका हिंदी में होगा और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन वही साउथ इंडिया में जाएंगे तो टोटल इंग्लिश में ही आपको फेस करना पड़ेगा। ये रेटिंग बैकग्राउंड थी। अब बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे, जैसे डीएनएस हुआ, बीएससी नॉटिकल साइंस हुआ, या जीएमई हुआ, तो ये भाई अगर ये टॉप ऑफिसर लेवल की पढ़ाई है, तो अगर आप ये डीएनएस करते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं, या जीएमई या ईटीओ कोई भी कोर्स करते हैं, और जीपी रेटिंग सीसीएमसी और टीएस रहम और एसटीसीडब्ल्यू छोड़कर, तो सबकी पढ़ाई इंग्लिश में होगी, आप कहीं भी पढ़ें, नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है। तो डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस और जीएमई, ये टोटल इंग्लिश में ही होगा, हिंदी का नामो निशान नहीं है। तो मैंने प्रॉपर समझा दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।